खबर रामनगरी अयोध्या से है, जहां राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जमीन घोटाले के मामले में अयोध्या के मेयर व उप पंचायत अधिकारी समेत ट्रस्ट के 9 लोगों के खिलाफ कोतवाली अयोध्या में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2020 में हमारा सरकार के उस पे ये ट्रस्ट का जो है गठन हुआ था, और उसमें जो है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर निर्माण का वो आदेश हुआ था ट्रस्ट के माध्यम से जो है, और उसमें आप लोगों को मालूम है इस करोड़ों भारतीय लोगों ने इसमें जो है चंदा दिया कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसमें चंदा चोरों ने चंदा चोरी किया, उसको आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सर्वप्रथम इस भ्रष्टाचार को उजागर किया। उसमें बहुत सारे लोग हैं, कम कीमत की जमीन को जो 2 करोड़ की थी 18.5 करोड़ में बेच दिया, 5 मिनट के अंदर ही बेच दिया गया। सारे सबूत, सारे गवाह, सारे पेपर ये चीख चीख कर कह रहे हैं इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह के वकील जे.के. शुक्ला ने अयोध्या नगर कोतवाली पहुंचकर नगर कोतवाल को लिखित तहरीर सौंपी। संजय सिंह के वकील जे.के. शुक्ला ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए आए हुए चंदे का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ट्रस्ट की ओर से जमीन खरीद में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसकी जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी हमने भ्रष्टाचार मामले को लेकर तहरीर दी और यदि उचित कार्यवाही नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी न्यायालय की शरण लेगा।